क्या आपके भी हेयर्स व्हाइट होना शुरू हो गए हैं? ओ, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के भी देखे हैं हेयर्स व्हाइट होने लग गए। ओप्स, ये प्रॉब्लम। तो चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, कोई भी हो, किसी भी एज के लोगों को हेयर फॉल, व्हाइट हेयर होना, ये कॉमन सी चीज हो गई है आज के टाइम में। हेयर व्हाइट होना तो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हेयर्स को ब्लैक करने के लिए क्या क्या करते हैं बता देती हूँ। हेयर्स को ब्लैक करने के लिए या तो डाई का प्रयोग करते हैं या तो मेहंदी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सारी चीजें हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं और आपके हेयर्स और ज्यादा व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगी, जी हाँ, जिसको लगाने से आपके हेयर्स हो जाएंगे ब्लैक। और मैं जो चीज बताने वाली हूँ डेफिनेटली वो आपके किचन में अवेलेबल होगी। यस, तो घरेलू नुस्खा जो होता है ना वो कभी नुकसानदायक नहीं होता। जी हाँ, तो वेलकम अ माई न्यू ब्लॉग्स। मैं हूँ महक और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ गाइस। एंड अगर आप मेरी प्यारी सी हेल्दी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि आप ऐसा क्या है जो लगाएंगे और आपके हेयर्स ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती गाइस, लेकिन मेरे हेयर्स जो है वो व्हाइट है नहीं, तो मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है ये नुस्खा, उन्होंने अपने हेयर्स पे अप्लाई किया है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप अपने हेयर्स पे अप्लाई जरूर से कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज लेनी है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो गाइस आपको ले लेना है 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर। जी हाँ, आंवला पाउडर ले लेना है 2 टेबल स्पून। एंड 1 टेबल स्पून ले लेना है आपको टर्मेरिक यानी कि हल्दी। जी हाँ, और इन दोनों चीजों को वेल मिक्स करके लोहे की कढ़ाई में रोस्ट करना है। जी हाँ, और तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो जाए। लेकिन आपको तेज आंच में रोस्ट नहीं करना है, आपको धीमी आंच में रोस्ट करना है, एकदम स्लो आंच में, बहुत ही धीमी आंच में। ये जले नहीं, ब्लैक हो धीरे धीरे सिक के, ठीक है? तो आपको धीमी आंच में स्लोली स्लोली उसको चलाते हुए ब्लैक करना है, और जब वो ब्लैक हो जाए तो फिर आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और अगर आपके हेयर्स ज्यादा हैं, आपको इसकी मात्रा कम लग रही है, तो आप जस्ट डबल भी कर सकते हैं। आप 4 टेबल स्पून ले लीजिए आंवला का पाउडर, 2 टेबल स्पून ले लीजिए हल्दी पाउडर, और अगर आपके और भी ज्यादा लॉन्ग हेयर्स हैं तो फिर आप और ज्यादा ले सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है? देन ठंडा होने के बाद अब क्या करना है बता देती हूँ। जब ये मटेरियल जो बनाया आपने, जब ये ठंडा हो जाए, तो इसमें आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा जेल जितनी आपने क्वांटिटी ली है ना, उसके अनुसार 1 टेबल स्पून में हो जाए। अगर आपके हेयर्स छोटे हैं तो 1 टेबल स्पून में हो जाएगा, अगर आपके हेयर्स लॉन्ग हैं तो 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, अपने जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप 1 टेबल स्पून लो या 2 टेबल स्पून लो, ओके? उसको बढ़िया से वेल मिक्स कर देना है एलोवेरा जेल को इस मटेरियल में जो आपने बनाया है, और वेल मिक्स करके अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। रूट भी अच्छे से फिंगर्स से करना है, अगर आपको लगे तो आप ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन के बढ़िया से मसाज करते हुए पूरे हेयर्स पे लगा के छोड़ दो। ये नेचुरल तरीका है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, और आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। जी हाँ, हफ्ते में 2 बार, अगर हो सके तो, ज़्यादा वाइट हेयर्स है तो स्टार्टिंग में आप 3 बार कर लो, और जब आपको लगे कि अब आपके हेयर्स ब्लैक हो गए हैं तो हफ्ते में 2 बार कर लो, और जब पूरी तरीके से ब्लैक हो जाए तो फिर आप 1 वीक में 1 टाइम तो करो ही करो, ताकि आपके हेयर्स जो है वो व्हाइट हो ही नहीं। जी हाँ। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास एलोवेरा जेल नहीं है तो फिर क्या करेंगे बता देती हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और वेल मिक्स कर लीजिए, आपने जितनी मात्रा ली हो ना उसके अनुसार उसमें ऐड कर दीजिए, और फिर अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लीजिए, और आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद हेयर्स को वॉश कर देना है। हाँ, हार्ड शैम्पू नहीं लेना आपको, नॉर्मल शैम्पू जो आते हैं हेयर वॉश कर दीजिए। अगर मुल्तानी मिट्टी से हेयर वॉश करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बट सबके पास मुल्तानी मिट्टी हेयर वॉश के लिए अवेलेबल है कि नहीं है मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, बट आप शैम्पू यूज कर सकते हैं, आप शैम्पू कर लीजिए हेयर्स पे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 15 से 20 दिन में या 1 महीने में अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा व्हाइट है ना, और आपने कंटिन्यू इसको किया, जो नुस्खा बताया मैंने आपको, अगर आपने कंटिन्यू अपने हेयर्स पे अप्लाई किया तो आपका 1 महीने में ही
बिना डाई के, बिना मेहंदी के आपके हेयर्स जो है वो बहुत ही ब्लैक हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो ये बहुत ही काम की चीज है, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम की है तो शेयर जरूर से कीजिएगा गाइस। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं जो भी बताती हूँ प्रैक्टिकल करने के बाद बताती हूँ गाइस, तो प्लीज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक मैम ने मुझसे पूछा था कि उनके हेयर फॉल बहुत होते हैं, तो मैंने हेयर फॉल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो आप देख सकती हैं। वैसे मैं आपको मैसेज कर दूंगी कि आप अपने हेयर्स पे क्या अप्लाई करें, बट मैंने हेयर फॉल पे बहुत सारे ऑयल्स भी घर पे बनाए हुए हैं, मैंने उनमें क्या क्या ऐड किया है आप वो भी देख सकती हैं मैम। और हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकती हैं, इसी चैनल पे है। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकती हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ गाइस, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू नॉलेज के साथ, हो तब तक के लिए है बाय बाय।